सकल मराठा समाज धाराशिव समन्वयक की ओर से मराठा भाइयों ने उस्मानाबाद धाराशिव शिवसेना जिला कार्यालय के सामने 2 अक्टूबर को ढोल बजाओ आंदोलन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण स्थगित कर दिया क्योंकि राज्य सरकार कहीं युक्तिवाद करने में विफल रही है। इस तरह के संदेह को व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे मराठा समुदाय की ओर से धाराशिव शिवसेना संपर्क कार्यालय के सामने ढोल बजाओ आंदोलन किया गया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद मराठा समुदाय ने शिक्षा और नौकरी में 12% आरक्षण मिला था। मराठा समाज ने कई बार शांतिपूर्वक आंदोलन भी किए। जब समुदाय के कई सदस्य ने बलिदान दिया तो सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में 12% आरक्षण दिया। सांसद ओम प्रकाश राजेनिंबालकर और विधायक कैलाश पाटिल भी आंदोलन में मौजूद थे। आंदोलन पर बोलते हुए ओम प्रकाश राजेनिंबालकर ने कहा, मैं आंदोलन का समर्थन करता हूँ। मैंने मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए लोकसभा में भी मांग की है। आपके जनप्रतिनिधि के नाते मैं सभी मराठा भाइयों से कहना चाहूंगा कि मराठा समुदाय को न्याय मिलने तक मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को मराठा आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन स्थगन आदेश के बावजूद अभी तक अंतिम सुनवाई नहीं हुई। मामला घटनापीठ को सौंप दिया गया है। मराठा समुदाय ने आरक्षण पाने के लिए जबरदस्त बलिदान दिए है। आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए लाखों की संख्या में मराठा समाज ने शांति और अनुशासन के और संयम के साथ कई मोर्चे भी निकाले हैं। इस अवसर पर विधायक कैलाश पाटिल का कहना है कि सांसद ओम प्रकाश राजेनिंबालकर के साथ मैं भी आंदोलन में शामिल हुआ और आंदोलन का समर्थन करता हूं। समाज के सदस्य के रूप में मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा समाज के साथ एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में रहना चाहूंगा। राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मराठा समाज को न्याय देगी। NBC न्यूज के लिए धाराशिव से प्रतीक भोसले की रिपोर्ट।